नमो भगवते वासुदेवाय सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे भागवतम के चौथे स्कंध से चर्चा करेंगे। प्रिय व्रतो उक्तान पादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगत स्थितो जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यु नैतराय सुतो ध्रुव अनुवाद। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से दो पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के अंशज थे अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक तो सुनीति दूसरी सुरुचि। इसमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था
राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। हरे कृष्ण। तो आपके श्याम नगर में भगवान की कृपा से और आप सबके असीम कृपा है भगवान की कि हमको सत्संग करने का अवसर मिला है। और वास्तव में कल मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज का प्रसंग, तो उसमें लिखा है कि पृथु महाराज इतने सुंदर राज्य करते थे क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे। और जो राजा धर्म का पालन करते हैं और अपनी प्रजाओं को भी धर्म का पालन कराते हैं, तो जो भी प्रजा होती है वो प्रजा पुण्य करती है, वो पुण्य के छठा भाग सिक्स छठा भाग राजा को मिलता है। किसको मिलता है? राजा को। तो वैसे आज मैं सोच रहा था कि आप इतने भाग्यशाली हो कि आपकी सोसाइटी में जो सोसाइटी को अच्छी तरह से संभालते हैं, जैसे अरुण त्रिपाठी जी है, हमारे भारद्वाज प्रभु हैं, सुरेश अग्रवाल जी है, बाबूलाल जी है हमारे, तो उन सब ने इच्छा किया कि नहीं हमारी सोसाइटी में प्रभु जी सत्संग होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, है ना। बाकी तो दूसरी अरेंजमेंट तो सब करते, पानी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, लेकिन वो सब भौतिक है, वो जब तक हमारा शरीर है तब तक रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति हमको सत्संग और धर्म का पालन करना सिखाता है और अवसर देता है ना, वो व्यक्ति हमारा सच्चा हितेशी है। तो ये जो महानुभाव है वो वास्तव में इस सोसाइटी के हितेश है ना, हित के लिए सोच रहे हैं, ये धर्म का पालन कर रहे हैं। ये जो विद्या है ना, पराविद्या कहते हैं, तो पराविद्या हमको अर्पित करते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद इस सबका, क्योंकि यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है आपकी सोसाइटी में। तो आज हम ध्रुव महाराज का प्रसंग शुरुआत करेंगे। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब जो श्री कृष्ण थे स्वयं, और वो हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए इस जगत में आए थे 500 साल पहले, स्वयं कृष्ण थे, और हम सबको सिखाने आए थे कि कलयुग में उद्धार कैसे होगा, हरि नाम के द्वारा, और वही हरि नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो वही चैतन्य महाप्रभु के साथ एक पार्षद थे उनके, जिसका नाम था गदाधर पंडित। क्या नाम था? गदाधर पंडित। वो गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी थी। कौन थी वो गदाधर पंडित? ये पुरुष का रूप लेके राधा रानी आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो गदाधर पंडित के पास जाते और डेली क्या सुनते? श्रीमद् भागवतम सुनते, है ना। से काले महाप्रभु गदाधर संगे, तान मुखे भागवत सुने थाके रंगे। स्वयं भगवान है फिर भी क्या पढ़ते हैं? किसी के पास जाकर भागवतम सुनते हैं। और क्या सुनते? भागवतम में अनेक प्रसंग है, तो कौन सा प्रसंग सुनते हैं? तो कौन सा प्रसंग सुनते थे भागवतम का? तो कहते हैं प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति करिया सुनेना अवहित। वही भगवान किसका चरित्र सुनते थे? श्रीमद् भागवतम से ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुनते थे, है ना। अगर कोई व्यक्ति ध्रुव और चरित्र प्रहलाद का चरित्र सुनता है तो निश्चित उसको भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि जिसने 5 साल की उम्र में भजन किया है भगवान का और 5 साल की उम्र में भगवान को सामने प्रकट करा दिया है 6 महीने में खाली, उसका नाम क्या था? ध्रुव, है ना। दृढ़ता से भक्ति किया। आगे आप सुनेंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे सुनेंगे। नारद जी कहेंगे बेटा अभी तू छोटा है, जंगल में नहीं जाना है, तू चल घर पे और खेलने की उम्र है तेरी, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि उनका नाम क्या है? ध्रुव। निश्चित कर लिया तो करना है, भजन करना है तो करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसा हमको भी क्या बनना है? ध्रुव बनना है कि नहीं सत्संग करना है तो हर मंगलवार को सोमवार को यहाँ होता है प्रोग्राम तो आना है, दूसरे 2-3 लोगों को भी लेके आना, उसका भी कल्याण हो। भगवान का नाम लेना है तो एक माला से स्टार्ट करते हैं,
तो ध्रुव बनना है ऐसा नहीं कि भाई सोमवार आ गया तो पिछले सोमवार तो गए थे ना इस बार आरंभ करते ध्रुव बनना है। तो ध्रुव महाराज की कथा कहते हैं कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और सॉरी विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के तीन पुत्री और दो पुत्र थे। तीन पुत्री थी आकुति देहूति और प्रसूति और दो पुत्र थे जिसका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। अरे बोलो चलेगा डिस्टर्ब हो गए सर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उनके जो पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब यहाँ ध्यान रखिए ध्यान से सुनिए आप उत्तानपाद और प्रियव्रत उसमें बड़े पुत्र था प्रियव्रत लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी उत्तानपाद की कथा कह रहे थे बड़े पुत्र की कथा नहीं कह रहे छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा कह रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि उत्तानपाद जो था उनको कितनी पत्नी थी दो पत्नी थी सुरुचि और सुनीति सुरुचि और सुनीति है ना। तो राजा जो था और सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था सुरुचि से एक से प्रेम करता था और दूसरी पत्नी को खास प्रेम नहीं करता था। लेकिन दूसरी पत्नी जिससे प्रेम नहीं करता था वो पत्नी से किसका जन्म हुआ महाराज ध्रुव का। देखो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो चंद्र देव की भी 27 पत्नी थी कितनी 27 पत्नियां थी उसमें सबसे बड़ी थी रोहिणी सबसे बड़ी रोहिणी थी और 27 पत्नी को सेम प्रेम करना चाहे लेकिन ये जो चंद्र थे वो एक ही पत्नी से प्रेम करे उसका नाम था रोहिणी तो दक्ष महाराज ने उसको श्राप दे दिया था ऐसी कथा है। देखो ये जो संसार है भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम जाना कोई जीवन का लक्ष्य है वो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भटका हुआ व्यक्ति घर आए और आराम मिले वैसे जब भौतिक संसार छोड़ के व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है तो वैसा उनको आराम मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए हम सब यात्रा में हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर जयपुर छोड़ के यात्रा कर रहा है बाहर और यात्रा कर करके थक जाता है जब घर आता है ना तो उसको संतुष्टि मिलती है। वैसे हम भी क्या है हम यात्रा में हैं सभी लोग यात्रा में है कोई जयपुर में है अभी कोई सूरत में है कोई गुजरात में है कोई कहीं है सभी लोग यात्रा में है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जयपुर छोड़ के हरिद्वार जाता है 10-15 दिन के लिए फिर उनको क्या याद आता है घर याद आता है क्योंकि घर में जैसी सुविधा से रहता है व्यक्ति वहां सुविधा नहीं मिलती है इसलिए वो डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति। लेकिन जब वो घूम घाम के घर पे आता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। वैसे हम सब यात्रा में है ना कोई व्यक्ति कोई शरीर में है कोई व्यक्ति कोई शरीर में है कोई व्यक्ति सुखी है कोई व्यक्ति दुखी है वैसे तो सुखी कोई है ही नहीं संसार में तो अनेक प्रकार की यात्रा में है। लेकिन जीव जब यात्रा करते करते साधु का संग मिलता है भक्तों का संग मिलता है भागवतम और भगवद गीता के द्वारा वो जो भक्त होता है व्यक्ति होता है वो जो भगवान के धाम मतलब खुद के धाम भगवान के धाम मतलब अपना घर घर में जब जाता है तो उसको क्या मिलती है संतुष्टि मिलती है।
तो हमको परमानेंट संतुष्टि चाहिए, है ना। और संतुष्टि कहाँ मिलेगी? भगवान के धाम में, क्योंकि हम भगवान के अंश है। जब तक हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि संसार दुखालय है। क्या है? मैंने पिछली बार बात किया था संसार क्या है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे दुखालय है। मान लीजिए कोई मार्बल का नीचे फ्रश हो, मार्बल का एकदम मार्बल का एकदम फ्रश आता है प्लान, तो खा जाते हैं। तो मार्बल के फ्रश पर आपको चलना है, मार्बल के फ्रश पर आपको चलना है कि आपका जो तलवे है उस पर तेल लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? तेल लगा दिया जाएगा। और फ्रश पे साबुन का पानी भी है। फ्रश एक तो आपको पता है ना एकदम एकदम और उसपे साबुन का पानी लगा दो, और साबुन का पानी लगाने के बाद आपके तलवे में क्या है? तेल लगा। अब आपको बोले जब चलिए आप तो क्या होगा? स्लिप हो जाओगे ना, तुरंत गिर जाओगे आप, स्लिप हो जाओगे आप। तो वैसे ही भौतिक संसार है, जैसे ये मार्बल है ना, मार्बल और साबुन का पानी वो भौतिक संसार है, और जो हमारे अनर्थ है ना वो क्या है? तलवे पे तेल है। अनेक प्रकार के अनर्थ है। हम नहीं चाहते कि हमको दुख मिले, फिर भी क्या मिलता है? दुख मिलता है। हम चाहते हैं कल सुबह जग के मैं ऐसा काम करूंगा मुझे 1,00,000 रुपए मिले, ऐसा मेहनत करूंगा, लेकिन जैसे सुबह जगते हैं तो हमारे अनर्थ के कारण हमको कुछ रोग आ जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आज हमारे त्रिपाठी जी आए थे, गाड़ी लेके हम गए थे बाहर, तो उसकी गाड़ी को टक्कर लगा दी किसी ने। वो नहीं चाहते थे ना कि गाड़ी को कुछ टक्कर लगे, लेकिन गाड़ी हो जाता है, संसार में कुछ भी हो सकता है। ये तो गाड़ी को टक्कर लगी, मनुष्य को भी टक्कर लग सकती है, मतलब कुछ हुआ नहीं है, गाड़ी को टक्कर लगी है, टेंशन मत लो, वो तो यहीं बैठे। कहने का तात्पर्य कि हम नहीं चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ये अनर्थ है ना। तो अनर्थ हम बच नहीं सकते। देखो भौतिक जगत है और फ्रश और उसपे साबुन का पानी है, और अनर्थ रूपी हमारे तलवे पे तेल लगा है, और हम जब हमको चलने को कहेंगे ना हम चल नहीं सकते, गिर जाएंगे तुरंत। अगर चलना है तो चलो प्रभु जी, चलना ही है तो क्या करना पड़ेगा? तलवे पे तेल नहीं हट सकता, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई एक व्यक्ति का सहारा होना चाहिए। दो व्यक्ति एक साथ चलेगा तो धीरे धीरे वो दोनों निकल सकते हैं। दोनों के तलवों पे तेल लगाओ तो, हाँ तलवों पे, दोनों पे तेल, फिर भी अगर एक दोनों का सहारा लेंगे तो नहीं चल सकते। मेरी बात तो सुने, चल सकते हैं आप, एकदम उसको निषेध नहीं कर सकते, वो चल सकते हैं, एकदम निषेध नहीं कर सकते हैं, वो चल सकते, सहारा होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो माता जी कह रहे हैं कि अगर हो सकता है दोनों गिर जाए, लेकिन अगर आप तलवे पे तेल निकालने की कोशिश करोगे ना, है ना, तलवे तलवे मैं कह रहा था भौतिक संसार है उसमें अनर्थ है, अनर्थ जाएगा नहीं हमारे कर्मों के अनुसार, ठीक है, कर्मों के अनुसार हमारा अनर्थ नहीं जाएगा। अरे भौतिक संसार नश्वर है, तो सहारा लेना पड़ेगा आपको किसी का, है ना। और माता जी कह रहे सही है, दोनों गिर सकते हैं, लेकिन दोनों गिर सकते हैं, लेकिन वो निषेध नहीं है, ऐसा नहीं कि गिर ही जाएंगे, हो सकता है दोनों के सारे और निकल भी जाए। इसे संत दर्शन दृष्टांत देते हैं कि हमको भक्तों के संग सहारे पे चलना चाहिए। तेल वाले तलवे के साथ चल सकते हैं, तलवे के तेल, देखो पानी फ्रेश है, भक्तों के सहारे आप चलोगे ना चल सकोगे, भले दोनों के पैर में तेल है, सहारा होगा तो व्यक्ति चल सकता है। कहते हैं डूबते हुए तो तिनके का सहारा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर वो भक्तों का संग मिल जाए तो दोनों निकल सकते हैं, क्योंकि भक्त के तलवे पे तेल है उनके भी तलवे पे, लेकिन फिर भी वो हो सकता है कि उस एक्सपर्ट हो चलने में, इस तरह से पैर रखता हो। अनर्थ सब में है, लेकिन भक्त होता है और अनर्थ से निकलने का उसको पता है।
तो मतलब भक्तों का संग होगा ना, हमारे जीवन में भौतिक संसार में अनर्थ है, दुख है, लेकिन अगर हम भक्तों का संग रखेंगे ना, तो भक्तों को पता है कि भौतिक संसार नश्वर संसार से कैसे छुटा जाए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पर सत्संग सुनते हैं, लेकिन हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। बहुत सत्संग किया है ना, माता जी भी सत्संग करते, प्रभु जी भी सत्संग करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। हमारा एक प्रश्न है, तो प्रश्न का जवाब देखो, आप कुछ भी सुनते हो भगवान के बारे में, भागवत या भगवत गीता, तो ऐसा मत सोचो कि हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है, आज नहीं तो कल उसका सुधार निश्चित होगा। एक साधु था, उनके पास एक व्यक्ति आया और साधु को बोला कि गुरु जी मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ, सत्संग करता हूँ, सुनता भी हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, भक्तों का संग भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो उस साधु ने उनको अपने जीवा से जवाब नहीं दिया, तो साधु ने बोला कि काम करो, टोकरी पड़ी है ना वो उठा, टोकरी में कोयला थे, क्या थे, तो बोला टोकरी की जो कोयला है ना उसको खाली कर दे, पूरी टोकरी भरी थी। खाली करने के बाद आया वो तुरंत टोकरी लेकर, जैसे टोकरी लेकर आया तो साधु को बोला अब क्या करना है मुझे, तो बोला मैंने तो आपको प्रश्न किया है कि भगवद गीता पढ़ता हूं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, परिवर्तन नहीं आता है जीवन में, और आप मुझे टोकरी उठाने को कहते हैं, कुछ जवाब दो मुझे, टोकरी उठाने को क्यों कह रहे हो मुझे। तो साधु ने बोला उठा तो सही क्यों, तो बोलो क्या करना है, तो बोले कि देख यहां से एकदम नजदीक नदी है, नदी में से टोकरी पानी की भर के ला, टोकरी जानते ना तो क्या बोलते उसको, तो जैसे टोकरी भर के आया ना धीरे धीरे टोकरी में से पानी समाप्त हो गया, टोकरी में से पानी समाप्त हो गया, तो तुरंत साधु ने बोला कि पानी तो निकल गया टोकरी में से, तो बोला निकल ही जाएंगे ना टोकरी में से कैसे पानी रहेगा, तो बोले तू स्पीड से आ, पानी भर के तू दौड़ के आ मेरे पास, रहेगा पानी। तो दूसरी बार टोकरी भरी पूरी और दौड़ा हो व्यक्ति, और जैसे ही साधु के पास आया वापस टोकरी, साधु ने बोला और स्पीड है ना, 50 की स्पीड से ना 80 की स्पीड से दौड़ तू टोकरी लेके, तो वापस गया टोकरी उठाया पानी का और दौड़ा हो, क्योंकि वापस आया तो वापस खाली। बोला कि साधु क्यों परेशान करते हो मुझे, अब मुझे क्यों परेशान करते हो, ये टोकरी में पानी थोड़ी ना रहेगा। साधु ने बोला कि टोकरी है ना उनके सामने देखा, तो क्या था टोकरी में, जैसे टोकरी में देखा तो पहले टोकरी कोयला के कारण काली हो गई थी, लेकिन तीन बार वो पानी लेके आया ना टोकरी साफ हो गई। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम सत्संग करते, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, हमें परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन सुनते रहो ऐसे, क्योंकि हमको लगता है कि परिवर्तन नहीं आता, लेकिन अंदर अंदर जा रहा है, तो ठाकुर आज नहीं तो कल उसको स्मरण कराएंगे। सुनना चाहिए, बारम्बार सुनना चाहिए उनको ना, हमको लगता है कि हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन अंदर जा रहा है। इससे प्रभुपाद जी कहते नित्य आप भागवत पढ़ो सुनो कुछ जाएगा अंदर। एक बार एक भक्त था, उनको ऐसा रोग हो गया कि जितना भी खाता या तो मुंह से या टॉयलेट के द्वारा निकल जाता, जो भी खाता तुरंत निकल जाता, ऐसा कुछ रोग हो गया। तो सभी भक्त ने उसको प्रयत्न किया, दवाई दी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो इसी भक्ति विद्यालय स्वामी श्री गुरुपाल जी के जो शिष्य गुरु है जिसका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उसने कहा इसको घी पिलाओ, जिसको अन्न भी पचता नहीं उसको क्या पिलाओ, कैसे पचेगा, फिर भी बोला इसको घी पिलाओ आप, तुमको घी पिलाया, एक बार पिलाया, दो बार पिलाया, जितनी बार पिता निकल जाता तुरंत, चार पांच बार घी पिलाया ना, उसके बाद वो ऐसा कि उनका रोग था ना वो ठीक होने लगा, रोग क्या होगा ठीक होने लगा, क्यों, ये जो घी जा रहा था ना वो घी क्या होता है चिकना होता है, और जैसे घी जाता था निकल तो जाता था लेकिन चिकना पदार्थ होने कारण वो अंदर चिपक जाता था, उसके कारण उसको शक्ति मिलने लगी, समझा, दृष्टांत समझ में आया मेरी बात,
आप जो भी सुनते हो जो भी पढ़ते हो सत्संग करते हो भले उनको लगे परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन नित्य सत्संग करते रहोगे ना कुछ परिवर्तन हो रहा है भले उनको न दिखे। भक्ति सिद्धार्थ महाराज करते क्योंकि संसार अनर्थ से भरा हुआ है ना कुछ कमी रह जाएंगी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है कहीं पैसा है बंगला है गाड़ी है बच्चे हैं पत्नी सब कुछ है ये कुछ ना कुछ कमी रहती है उसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज उनके पास इतना बड़ा राज्य था चित्रकेतु महाराज के पास है ना सम्राट राजा थे अनेक पत्नियां थी कुछ कमी नहीं थी पैसे की कुछ कमी नहीं थी लेकिन एक प्रॉब्लम था क्या था संतान नहीं थी। यहां भी आप देखिए उत्तानपाद की पत्नी थी सुरुचि सुनीति पहली पत्नी सुनीति थी तो उनको भी क्या हुआ पुत्र नहीं हो रहा था बहुत बड़ा सम्राट था लेकिन पुत्र नहीं था सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था कहने का तात्पर्य कि पूर्ण हम नहीं है पूर्ण भगवान है ना हम अपूर्ण है कुछ भी प्राप्त कर लेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा निश्चित रहेगा। चित्रकेतु महाराज इतना राजा बड़े थे पुत्र न होने के कारण दुखी रहते थे और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना तो अगर मान लीजिए कोई ज्ञानी व्यक्ति संत व्यक्ति साधु व्यक्ति उनके पास जाता है ना सलाह देने के लिए भाई तू दुखी है तो कुछ तो क्या करना चाहिए वो साधु से पूछना चाहिए मैं दुखी क्यों हूं मैं दुखी क्यों या फिर साधु की सुननी चाहिए कि साधु आपको एक निवारण देगा कि आप दुखी क्यों परेशान क्यों हो साधु का सुनना चाहिए। लेकिन अभी के लोगों का क्या लोभ है जैसे कोई संत साधु आते हैं तो अपना रोना चालू करते हैं कि प्रभु जी मेरे पास ये था वो चला गया है ना मेरे बच्चे हैं मैंने कितना बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा जो भी चाहे दिया ये वही बच्चे ने हमको घर से बाहर निकाल दिया तो हमारे पास वो व्यक्ति कहता रहता लेकिन किससे सुनना चाहिए भक्तों से सुनना चाहिए। अंगिरा मुनि चित्रकेतु के महाराज के पास आए तो अंगिरा मुनि को पता चल गया कि चित्रकेतु महाराज इतने बड़े राजा है इतनी बड़ी धन संपत्ति है फिर भी क्या है दुखी है वो सब कुछ होने के बावजूद क्या थे पुत्र न होने के कारण दुखी है तो अंगिरा महाराज को लगा अंगिरा मुनि को कि एक टाइम सही है पिचिंग करने का कोई लोग होता है ना मानते नहीं है सुनते नहीं है ना सत्संग नहीं करते है लेकिन जब कोई उनके घर मर जाता है ना उसी वक्त सत्संग करने आप जाओगे ना तो ध्यान से सुनेगा तो ध्यान से सुनेगा और पिघल भी जाएगा कि हाँ एक दिन हमको भी जाना चाहिए। देखिए आपने मोमबत्ती देखी मोमबत्ती 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 जब आप रटकाते हो ना तो उसका जो मीन आता है क्या मतलब मोम मोम नीचे क्या होता है पिघलता है लेकिन जैसे मोमबत्ती को बुझागे तो क्या होगा वापस कड़क हो जाएगी। वैसे हमारा ही है जैसे सत्संग में आते हैं और सत्संग के बाद सुनते हैं कि जीवन नश्वर है अनर्थ से भरे हुए हैं कब मौत आ जाएंगी पता नहीं है सब सुनते हैं ना तो क्या होते हैं पिघलते हैं धीरे 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 पिघलते हैं यही बात सत्य है। लेकिन जैसे सत्संग समाप्त होता है तो क्या होता है हाँ कड़क हो जाए जैसे थे एजिटिव रूपा जी ने एजेटिव भगवत गीता दिया है श्रीमद भगवत गीता एजेटिव यथारूप तो हम भी क्या हो जाते हैं यथारूप। अंगिरा मुनि जब चित्रकेतु के महाराज के पास आए तो उनकी बात सुननी चाहे लेकिन चित्रकेतु महाराज रोने लगे उसके साथ सामने कि हे मुनिवर मुझे दुख से बचाइए मुझे पुत्र नहीं है। अंगिरा मुनि दो शब्द कहने आए थे कि भाई तेरे कर्म में नहीं है तुझे पुत्र नहीं हो गए लेकिन उन्होंने अंगिरा मुनि की बात नहीं सुनी अपनी सुनाना चालू कर दिया यही प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति शास्त्र को जानता है भगवान को जानता है ना जो संसार को जान गया है शास्त्र अनुसार साधु संतों के अनुसार उनके मुख से सुनना चाहिए और उस अकॉर्डिंग जीवन जीना चाहिए। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि वो जब साधु या भक्त सामने आते हैं तो हम हमारा सुनाते हैं क्योंकि हम सब संसार में बहु बोला बन गए क्या बन गए हैं बोलना है हमको है ना हमको सुनना नहीं है क्या करना है सास कहते कि मेरा सुनना चाहिए है ना बहू मेरा सुननी चाहिए रोग है ये
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। सांस कहती है ना कि बहू मेरी ही बात माननी चाहिए, है ना, और वही सांस कहती कि मेरी बेटी जहां जाए ना वहां उनका चलना चाहिए, समझे। सास कहते कि मेरे घर में मेरा चलना चाहिए, मेरी बहू का नहीं चलना चाहिए, और मेरी बेटी जहां भी जाए ना वहां उनका चलना चाहिए। तो संसार के आपके बाप का है, सबको आपकी चलेगा, सोचा ये रोग हो गया। देखो एक जो आपके घर बहू बन के आई है, आपके घर बहू बन के आई है, वो भी किसी की पुत्री है ना, वो भी किसी की पुत्री है, और आपकी जो पुत्री है वो किसी के घर बहू बन के जाएगी, तो आप जैसा आपकी बहू के साथ व्यवहार करते हो तो आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना। इससे सत्संग से समझना चाहिए। सब लोग चाहते कि नहीं हमारा चलना चाहिए, अरे प्रेम से रहना चाहिए बेटी के समान, है ना, और बहू को भी समझना चाहिए, है ना, कि मेरी माँ है, माँ समान है। इसने ही पति, देखो मैंने बोला कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा जीवन का भगवान के द्वारा दिया गया फ्रेंड कौन है, पत्नी है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर महाराज जवाब दिया कि भगवान के द्वारा दिया गया कोई मित्र है तो है पत्नी, तो पत्नी को भी समझना चाहिए कि कौन है पति। तो जो बहू आती है ना उसको समझना चाहिए, उनको समझना का ही मेरी सास है, मेरी माँ समान है, और इसने क्या दिया है, पति को दिया है, प्रेम से रहना चाहिए। ये संस्कार आएंगे कब, जब सत्संग में आएंगे, है ना। सबको कार चाहिए लेकिन संस्कार नहीं चाहिए, तो संस्कार के पीछे से रहना चाहिए, तब जाके घर में सास बहू के झगड़े समाप्त हो गए, दोनों भाई लड़ रहे वो शांत हो जाएंगे। एक मत होना चाहिए, और मत कब आएगा, जब सत्संग करेंगे हम, उसके बगैर मत नहीं आते, एक मत नहीं होगा तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये चित्रकेतु महाराज को सुननी चाहिए अंगिरा महाराज की, लेकिन उसने अंगिरा महाराज की बात का सुनते हुए क्या कहा कि मुझे पुत्र नहीं है। अंगिरा महाराज कुछ कहना चाहते लेकिन क्या अपनी बात रख रहे थे, मुझे पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। अंगिरा महाराज ने कहा कि भाई पुत्र नहीं है, तेरे कर्म है, तेरे कर्म में नहीं है तो नहीं होगे पुत्र, लेकिन ये नहीं माना और क्या किया, पुत्र की मांग किया। अंगिरा मुनि ने दिया, वो समर्थ थे, उनको पुत्र दिया, लेकिन अंगिरा मुनि ने कहा कि तेरे नसीब में नहीं है पुत्र, फिर भी तू मांग रहा है तो मैं तुझे कहता हूं ये ले पुत्र। एक फल दिया तेरी पत्नी को खिला देना, एक पुत्र है तेरा, लेकिन उसका नाम क्या रखेगा तू, हर्ष शोक, क्या एक ही पुत्र लेकिन उसका नाम हर्ष शोक, क्यों, क्योंकि तुझे हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। और आगे जाके आप कथा सुनेंगे तो जैसे पुत्र हुआ, थोड़े दिन का हुआ, वही पुत्र को आनंद देने लगा पिता को, चित्रकेतु को, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से घर में कोई संतान नहीं था, और पति पत्नी मतलब एक गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा जो सुख होता है ना वो पुत्र होता है। जब तक पुत्र नहीं होता है तो वो फैमिली को अच्छा नहीं लगता है, तो चित्रकेतु को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुत्र हुआ तो चित्रकेतु प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न, थोड़े समय के लिए प्रसन्न रहे, और वही पुत्र थोड़े समय के बाद अंगिरा मुनि से अगर पहला उसने सुन लिया होता कि देख भाई तेरे कर्म में नहीं है, तो छोड़ दे, मन से छोड़ दे, भगवान का भजन करना चाहे, शास्त्र की कुछ वाणी सुन ली होती और इस अकॉर्डिंग जीवन जीना चालू कर दिया तो उसको दुख नहीं मिलता, लेकिन अपने कर्म के विरुद्ध करने गए तो उसको दुख मिला। विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया ना, तो नैत्य मुनि ने कहा, विदुर जी ने प्रश्न किया कि व्यक्ति सुख के लिए दिन रात कर्म करता है लेकिन सुख तो मिलता नहीं, ऊपर से क्या मिलता है, दुख मिलता, उसका कारण क्या। मैत्री मुनि कहते हैं कि उसका कारण एक ही है, क्योंकि उनके नसीब में न होते हुए भी या फिर उसके कर्म में जो भी है उस अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, जो भी दुख आता है तो दुख समाप्ति करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, इन्हें सुख प्राप्त करने, कोई सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता वैसे फिर भी सुख आ जाता है ना, और दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता फिर भी दुख आ जाता है, हमारे कर्म का अनुसार है। तो कहने का तात्पर्य कि संसार दुख से भरा हुआ है, और ये जो चित्रकेतु महाराज के नसीब में पुत्र नहीं था फिर भी मांगा और वो दुखी हो गया।
वैसे यहाँ जो उत्तान पाद थे उनकी पत्नी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति मतलब उत्तान पाद की पत्नी का नाम सुनीति, मतलब नीति से चलने वाली थी। कैसे? नीति का मतलब शास्त्र के अनुसार चलने वाली पत्नी थी। लेकिन भाग्यवश दुर्भाग्यवश जो भी कहो उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो तुरंत सुनीति ने अपने पति को कहा, क्योंकि पति भी दुखी रहते थे, पुत्र था नहीं और राज्य चलाना था, आगे एक वंशज चाहिएगा। तो सुनीति ने अपने पति को कहा कि आप एक काम करो, दूसरी शादी करो। क्या कर लो? दूसरी शादी। पत्नी कहती है कि दूसरी शादी। देखो पुत्र नहीं था, ठीक है, सुनीति को पुत्र नहीं हुआ, उसने कहा दूसरी शादी कर लो, तो दूसरी शादी करेंगे, सुनीति से शादी कर लेंगे, सुनीति से शादी कर लेंगे। तो सुनीति को लगा कि जैसी दूसरी पत्नी आएगी उसकी तरह संतान होगा तो हमारे पति खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश रहूं। लेकिन हुआ क्या, जैसे सुनीति मतलब सुरुचि घर में आई तो सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ उल्टा हो गया, जो चाहती थी वैसा नहीं हुआ, है ना। देखो आप जैसे आप एंट्री करते हो आपके घर में और आपके बेडरूम में जाते हो, बहुत सुंदर पलंग है और गद्दा भी सुंदर, सब कुछ बहुत सुंदर है, और जैसे आप सोते हो सुंदर बेड पे, लेकिन जैसे आप ऐसे ऐसे करते हो पता चलता है कि इसके बीचों बीच एक सुई है, क्या है, तो क्या होगा, और चुभती रहती, डर लगता है ना सुई से, यहाँ घूमते हो तो डर लगता रहता है। वैसे ही बहुत सुंदर सब कुछ ही हमारे पास, कुछ ना कुछ कमी होने के कारण दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी होती है तो दुखी रहते हैं। तो देखो भक्तों कहने का तात्पर्य है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमको रहेगा ही। भागवत में महात्मा देखेंगे तो उसमें आत्माराम ब्राह्मण, आत्माराम ब्राह्मण को भी संतान नहीं था, वो आत्महत्या करने गया, साधु मिला उनको, तो साधु उनको कह सकता कहना साधु ने सात जन्म में तुझे पुत्र नहीं मिलेगा, इतने सात जन्म में तेरे नसीब में पुत्र नहीं हो, सन्यासी ने बोल दिया तो रो मत। लेकिन वो ब्राह्मण ने ऐसा विचार नहीं किया कि सन्यासी है, साधु है, भगवान का भक्त है और त्रिका ज्ञानी लगता है, मेरे सात जन्म का उसने बता दिया, तो मैं काम करता हूँ कि वो जो बोलेगा ना उस अकॉर्डिंग में जीवन जीऊंगा, पुत्र नहीं है तो वो जो बोलेगा वैसे में जीवन जीऊंगा। लेकिन उसने अपनी बुद्धि चलाई, अपनी बुद्धि चला कर क्या कहा, सोचा, है ना, हमारी बुद्धि तो बुद्धि से सोचा कि देखो ये सन्यासी है तो मेरे सात जन्म का बता सकता है तो मुझे पुत्र भी दे सकता है, ये साधु अगर सात जन्म की बात मुझे बता सकता है तो क्या दे सकता है, पुत्र भी दे सकता है। तो तुरंत क्या मांगा, पैर में पड़ गया, बोले पुत्र दो मुझे, पुत्र मांगा, आपको कथा पता ही है वो, और पुत्र मिला उनको, उसका नाम था धुंधुकारी। इतना इतना भयंकर पुत्र मिला है ना कि उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली और पिता जंगल में चले गए और घर में पांच विषय को लेके आया। इंदौर में जो भागवतम करने वालों पहला दिन महात्मा का यही विस्तार से कथा है, तो वहां भी श्रीमद भागवत आप देखिए ना, कथा तो है एक कथा के साथ सिद्धांत समझना चाहिए, है ना, कि तीनों देखिए, एक तो उत्तान पाद मतलब सुनीति, चित्र केतु और धुंधुकारी आत्माराम ब्राह्मण, तीनों के नसीब में नहीं था। सुनीति जब महल में राज रानी थी तब उसके उनको संतान नहीं हुआ, लेकिन उत्तान पाद जब उनको घर से बाहर निकाल देंगे और घर के बाहर एक झोपड़ी बना देंगे, है ना, तब उनको जाके क्या होगा, संतान, उसका नाम है ध्रुव। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शांत कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जैसे एक ऋतु आती है चली जाती है, पहले एक मौसम आता है गर्मी का मौसम आता है तो बहुत गर्मी लगती है, हम दुखी होते, अरे बाप बहुत गर्मी है, एसी लगाती है, लगाती वो लगाती, ये कब तक रहेगा, वो दो तीन चार महीने रहेगी, फिर वो गर्मी चली जाएगी तो क्या आएगा, वर्षा ऋतु आएगी, है ना, मतलब बारिश आएगी, और बहुत बारिश आती है तो सोचते हैं कि बारिश जाती नहीं है,
काम करने नहीं देती है कुछ बारिश, है ना, ऐसा हम सोचते हैं, परेशान करते बारिश, कभी काम नहीं होता है तो हम कहते हैं बारिश बंद हो तो अच्छा है, तो परेशान कर दिया है, और फिर बारिश चली जाती है तो क्या आता है, ठंडी, और यहाँ तो भयंकर ठंडी रहती है, और ठंडी में भी हम कहते हैं अरे बाप रे कितनी ठंडी है, अब ये ठंडी थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा है। कहने का तात्पर्य कहीं भी जाओगे क्या है, पदम पदम यद विपदान तेषां, अब जहां जहां भी भौतिक संसार में पैर रखोगे वहां क्या है, विपदा मतलब दुख है। इसे क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, हमारे जो अनर्थ है हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम अज्ञान में है, हम अज्ञान में होने के कारण समझ नहीं सकते अनर्थ को, इसे भक्तों के संग में जब भागवतम भगवत गीता का ज्ञान लेंगे ना उसके द्वारा हमको समझ में आएगा सत्य का। हम देखो सत्संग करते कभी बैठ के और अनेक प्रकार के भजन गाते हैं, वो भजन तो गाते हैं लेकिन करना क्या है, करना क्या है, तो भगवान कहते करना है आपको कलयुग का युग धर्म पालन करना है। बहुत ऐसे भजन है हिंदी में तो मुझे पता नहीं लेकिन ऐसे बहुत भजन है कि हम कहते कि आप भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, करना चाहिए, अनेक भजन है लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है, भगवान का नाम लेना है, तो कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इससे जब हम भगवान का नाम लेंगे ना तो भगवान जो है वो हमारे समस्त अनर्थ को मुक्त कर सकते हैं। इसी तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा उससे पहले क्या एक श्लोक बोला, अनर्थो उपशमं साक्षात् भक्ति योग अधोक्षज, के अनर्थ को नाश करने के लिए वेदव्यास जी ने क्या लिखा है श्रीमद् भागवतम जो भक्ति से भरा हुआ है, और वही श्रीमद् भागवतम में एंड में आप देखेंगे तो कहा गया है नाम संकीर्तन यश, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यही है ना, एक एक राजा था वो साधु के पास गया, देखो ये राजा इतना बड़ा एक राजा था वो भी साधु के पास जाकर साधु को पूछता है के हे महात्मा जी मुझे बताइए के सुख किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुख किसको बोलते हैं, सुख की आप परिभाषा दीजिए सुख किसको बोलते हैं। तो उस साधु ने दूसरा कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि तितली, क्या बोला तितली, इतना बोल के साधु शांत हो गया, साधु मौन हो गया। तो जैसे तितली करके शांत हो गए तो राजा विचार में पड़ गया कि साधु ने पूछा कि सुख की परिभाषा क्या है, तो क्या बोला तितली। तो राजा सोच रहा, सोचते सोचते उसके गार्डन था वहां जाके बैठ गया, और जैसे वहां बैठा ना तो अचानक उनको एक तितली दिख गई गार्डन में, तितली उड़ रही थी, तो जैसे तितली को देखा तो याद आ गया साधु, साधु ने क्या कहा था सुख का परिभाषा तितली। तो तुरंत राजा तितली को पकड़ने दौड़े, बहुत बड़ा गार्डन था, तितली को पकड़ने दौड़े राजा, लेकिन तितली का तो स्वभाव उड़ती है, राजा दौड़ता गया तितली आ गए राजा पीछे, तितली पकड़ने आ रही तो राजा को गुस्से आ गए, राजा ने तलवार निकाली, छोड़ूंगा नहीं क्या समझती मैं राजा हूं, और तो राजा पीछे तलवार लेके और तितली आ गए, तो मंत्री ने बोला कि राजा क्या हुआ पागल हो गया है, तितली के पीछे दौड़ा है राजा, मिनिमम 3 से 4 घंटे तितली के पीछे दौड़ा, क्यों क्योंकि साधु ने कहा था तितली, तो दौड़ा बहुत लेकिन तितली तो आई नहीं, और जैसे थक के राजा बैठ गया ना तो एक ही मिनट में तितली आकर यहां बैठ गई, 3 घंटे दौड़ा और तितली कहां के बैठ गई। वैसे हम संसार में क्या करते हैं, दिन रात दौड़ते रहते किसके लिए, सुख के लिए, है ना, कि अभी मिल जाएगा अभी मिल जाएगा, ये प्राप्त करूंगा तो सुख मिल जाएगा, यहाँ जाऊंगा तो सुख मिल जाएगा, ये बिजनेस करूंगा तो सुख आ जाएगा, ये बिजनेस करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मेरा सेठ है, अगर इसके जगह कोई दूसरा सेठ होता तो ज्यादा तनखा देता सुखी हो जाता, अनेक प्रकार के विचार आते हैं ना सुखी होने के, लेकिन जो हम सोचते हैं ना ऐसा नहीं होता है, उसे उल्टा ही होता है, ज्यादातर उल्टा ही होता है, लेकिन जब हम सुख चाहते कुछ चाहते हैं तो उसका विपरीत परिणाम आता है, लेकिन हम न चाहते हो भी कभी क्या होता है
सुख मिल जाता है। राजा ने चाहा कि तितली को पकड़ लूं मैं, लेकिन हाथ में नहीं आई। जैसे राजा आराम से बैठ गया तो क्या हुआ? कोई व्यक्ति होता है, उसके कर्म में ऐसा होता है कि वो इतना मेहनत भी नहीं करता फिर भी उसको लाखों रुपए मिल जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो करोड़ों पति होता है, अचानक रातों रातों भिखारी बन जाता है ना। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है। न चाहते हुए भी दुख आ गया और चाहते हुए भी सुख नहीं आता है। चाहते हम सुख चाहते लेकिन दुख आता है, और दुख न चाहते हुए भी क्या आ जाता है? दुख आ जाता है। तो हमारे हाथ में नहीं है ना। इसे भगवान पे अमुक चीज छोड़नी चाहिए है ना। और भगवान पे छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे भगवान का नाम लेकर है ना, श्रीमद भगवद गीता और उस सबको समझ कर। भगवद गीता को समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। एक विदेश में एक व्यक्ति था, वो और उनके एक गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों साथ रह रहे थे। विदेश में तो शादी नहीं की तो साथ रहते। तो दोनों एक बार रूम में थे तो अचानक वो मकान मालिक आया और मकान मालिक ने उसको एक कूपन दिया, दो कूपन दिए और बोला कि यहाँ मंदिर है, हरे कृष्ण का मंदिर है, तो तू वहां जा और वहां प्रसाद मिलता है, संडे है तो प्रसाद मिलता है, माता जी खा पाओ प्रसाद प्रसाद। तो ये दोनों कूपन लेके मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचे तो मंदिर में बहुत सुंदर प्रसाद था। वहां प्रसाद पाया तो प्रसाद पाने के बाद वहां श्रीमद भगवद गीता का वितरण हो रहा था। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, उसने भगवद गीता उठाई और 100 रुपए की भगवद गीता खरीदी प्रभुपाद जी की एज इट इज। और जैसी खरीदी और पढ़ने लगी घर जाके, तो पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आने लगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो क्या करने लगी? भगवान का माला करने लगी, भगवद गीता पढ़ने लगी और जो जो भी भगवान बोलते हैं वो करने लगी धीरे धीरे। तो इनको लगा कि अरे ये तो हाथ से छूट जा रही है, अब मेरे साथ नहीं रहेंगी। ये पत्नी तो थी नहीं, गर्लफ्रेंड थी। उसने क्या किया, एक काम करता हूँ कि भगवत गीता में मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ और भगवत गीता में कुछ उल्टा करके सुनाता हूँ, इसको छोड़ देंगे भगवत गीता को। तो उनके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, वो भगवत गीता ली और वो भी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसको लगा इसमें कुछ खामी निकालो, ये खामी तो नहीं निकली, क्या हुआ उल्टा वो खुद चेंज हो गया। वैसे कोई व्यक्ति होता है कि चलो देख लेते क्या लिखा है भगवान ने, कहते हैं कृष्ण ने ऐसा लिखा ऐसा लिखा। तो थोड़ा सा भी आप कोई भी भाव से भगवत गीता पढ़ते हो ना, आपको निश्चित फल देगा ना। एक बार एक चोर था, विदेश की बात है, न्यूयॉर्क की बात है, एक चोर था तो सातों सात दिन चोरी करता। एक दिन वो चोरी करने गया, चोर का स्वभाव क्या होता है पता है, चोरी करने जाता है कोई कुछ मिलता नहीं है ना तो कुछ भी उठा कर आ जाता है, चाहे चद्दर भी लेकिन लेके आ जाते, खाली नहीं आता है तो स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ लेके भागता है। हाँ, साधु की चद्दर भी लेके वो भाग जाएगा। तो उनको सातों सात दिन चोरी करने की आदत थी। तो व्यक्ति एक बार चोरी करने गया तो चोरी कर किया तो हाथ में कुछ नहीं लगा, कुछ था नहीं, भागते भागते उसके हाथ में भगवद गीता आ गई। तो भगवद गीता लेकिन घर में आया ना जब, तो भगवत गीता सोचा कि चोरी करके आया तो यूज तो कर लू। तो उसने पढ़ा, जैसे ही पढ़ता गया ना धीरे धीरे तो परिवर्तन आने लगा। तो उसने 7 दिन में से 5 दिन चोरी करना चालू किया, 2 दिन छुट्टी। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे जो पति हैं वो छुट्टी में क्यों रहते, जाते क्यों नहीं बिजनेस पे, काम धंधे पे क्यों नहीं जाते, 2 दिन छुट्टी क्यों रहते। थोड़ा समय हुआ तो उसने 4 दिन चोरी करना चालू कर, 3 दिन बंद कर दिया। 3 दिन क्या करता हो भगवत गीता, लेकिन उनकी पत्नी को पता ही क्या क्या कर रहे हैं अंदर, भगवत गीता पढ़ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा था उनको। क्योंकि देखो अब जब भगवान ने जो कहा है ना, हमारा स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण दास। और जब भगवान ने जो कहा है वो हम जब ग्रहण करेंगे ना तो हमारा स्वरूप प्रकट होगा। और जब व्यक्ति का स्वरूप प्रकट होता है उसका हृदय शुद्ध होता है और उनको एकदम साफ सब कुछ दिखता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, सब कुछ दिखने लगता है। तो चोर को भी दिखने लगा ऐसा। फिर धीरे धीरे चोर ने 4 दिन बनकर 3 दिन जाता, धीरे धीरे चलता गया।
तो पत्नी ने पूछा, पत्नी ने उनको नहीं कहा लेकिन उनके पिता को बोला कि आपके जमाई ने बिजनेस बंद कर दिया है, जो काम था उसका बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने 5 या 6 दिन मतलब एक दिन छोड़कर धीरे सब कुछ बंद कर दिया। और फिर पता चला उनके ससुर को, ससुर ने डांटा उनको कि तो क्यों बंद कर दिया, ससुर की चोरी था, क्योंकि बिजनेस क्यों बंद कर दिया, हमारे खानदान में सब चोरी कर रहे हैं, खानदानी गिर गया। फिर उसने साफ बता दिया कि श्रीमद भगवद गीता जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ और श्रीमद भगवद गीता के द्वारा मेरा जीवन का परिवर्तन हो गया है, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। यह श्रीमद, यह है प्रभुपाद जी की श्रीमद भगवद गीता। लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको लगता है कि इसमें कुछ पता नहीं हमको, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा जीवन का लक्ष्य यही है हमारा, श्रीमद भगवद गीता पढ़ना। वैसे चोर की बात करें तो हम सब क्या है, हम सब क्या है, चोरी है, बोलो ना जोर से बोलो, टेंशन मत ला, हम सब क्या है, हाँ जोर से बोलो, है ही है ना, यहाँ आप सब करके सीधा बोल दो, आप सब हम सब आप नहीं हम सब सॉरी मैं भी आ गया, हम सब चोरी है ना, क्योंकि चोर किसको कहते हैं, दूसरे की चीज को बिना पूछे उठा रहे, इसको क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं। तो संसार की समस्त चीज किसकी है, बोलिए, वो है ना चोर है ना। एक तो भगवान की सब चीज हम ग्रहण करते हैं, भगवान को याद नहीं करते और भगवान को ऑफरिंग भी नहीं करते, ऐसे हम खाते हैं। एक तो चोरी का माल है और चोरी का माल जब हम भगवान को ऑफरिंग करेंगे ग्रहण करेंगे ना तो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ये सब भगवान का है, ठीक है, तो हम भगवान की चीज यूज कर रहे हैं ना, भगवान की चीज भगवान को पूछे पर यूज कर रहे हैं ना, भगवान को तो ऑफरिंग नहीं कर रहे हम, भगवान को अर्पित नहीं करते तो क्या है हम, चोर हुए ना, तो भगवान का तो है सब, हाँ भोग नहीं लगाते, भगवान को ऑफरिंग नहीं करते, अर्पित लेकर हम चोर है, तो सब हम चोर है, क्योंकि भगवान को अर्पण करना चाहिए हमको जो भी है, क्योंकि भगवान का है ना, भगवान को पूछे मगर हम कुछ भी यूज करते हैं तो चोर है हम। और हम चोर किसको कहते हैं, भगवान को कहते हैं ना, माखन चोर। लेकिन वास्तव में चोर वो नहीं हो, उनका ही है सब कुछ है, लेकिन हम उनको कहते हैं माखन चोर है ना, लेकिन अगर हम पे आए हैं तो हम भी चोरी है, तो सब कुछ उनका है और यूज हम कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर वही चीज को अगर भगवान को ऑफर कर है ना, भगवान को ऑफर, भगवान को कहेंगे हे प्रभु सब कुछ आपका है, अरे आप ग्रहण करो, और जब प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं ना तो चोर नहीं, हम ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी बुद्धि से सब कुछ भगवान का है। इसे ग्रहण करते समय हमको पहले सोचना चाहिए कि सब कुछ जो भगवान दे रहा है उसको अपनी भोग के लिए, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति के लिए जो भी कार्य करता है ना इस संसार की चीज का, वो निश्चित रोगी हो जाएगा, क्योंकि भोग करता है इंद्र का तो निश्चित भोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इससे मैंने शनिवार के प्रोग्राम में बोला था कि समस्त इंद्रियों को किसमें लगाना चाहिए, भगवान ऋषि के ना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। रूपाल जी एक व्यक्ति ने कहा, क्रांति की बात आई रूपाल जी ने, कि हम क्रांति लाएंगे संसार में, इस संसार को सुधारेंगे। रूपाल जी ने एक ही शब्द कह दिया, क्रांति लाएंगे, मतलब भौतिक चीज से, मतलब जैसे नेताओं कहते हम क्रांति लाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने सीधा बोल दिया कि आपकी जो क्रांति लाने की पद्धति है ना वो वैसी है जैसे आप ये जो शौचालय होता है ना समूह शौचालय है ना, उसमें आप अक्सर स्प्रे स्प्रे छाटो, ऐसा ही उसमें कितना भी स्प्रे छाटो उसमें गंदगी रहेगी, वैसे ही आप संसार में अगर क्रांति लानी है और क्रांति अपनी बुद्धि से लाने की कोशिश करोगे ना तो कभी वो क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति लानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ से 1965 में अमेरिका गए थे, क्या लेके गए थे,
श्रीमद भगवद गीता लेके गए थे, श्रीमद भागवतम लेके गए, और उनके द्वारा पूरे विश्व में उसने प्रचार किया। ये क्रांति है सच्ची। जब भगवान की शरण में आप ले जाओ ना किसी को, तब उसके जीवन में क्रांति आएगी। अभी क्रांति नहीं आ सकती है। सेवा वही है जब आप भगवान की सेवा में किसी को ले जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा है। बाकी भौतिक संसार का कुछ भी चीज है वो आप किसी को भी दोगे वो टकेगी नहीं, उनको दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि आप कपड़े दे रहे हो आप, 2-3-5 दिन 1 साल के बाद कपड़े फट जाएंगे, दूसरा देना पड़ेगा। खाना दोगे कल वापस भूखा हो जाएगा। कुछ भी दोगे, भौतिक चीज कुछ भी दोगे तो वो नश्वर है, और नश्वर चीज किसी को सुख नहीं दे सकती है ना। इससे उस व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कृष्ण दास। और जब भगवान की सेवा में लगा दोगे ना, उसका शाश्वत स्वरूप उनको समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। जब वो करेगा तब वो शांति से सुखी हो सकता है। वो बच्चे की आपने कथा सुनी होगी, एक बच्चा था, वो बच्चा घर से अपने पिताजी से गुम हो गया। जैसे अपने पिताजी से गुम हो गया माता पिता से, तो रो रहा था मेले में, तो रोता रोता एक व्यक्ति आया उनके पास। व्यक्ति ने कहा कि देखो बच्चा कितना सुंदर है, रो रहा है, तो शायद उसको भूख लगी होगी। तो उसने कुछ खाना दे दिया, बच्चे ने खा लिया लेकिन वापस रोने लगा। तो आगे गया तो दूसरा व्यक्ति मिला, तो सोचा कि बच्चे को कुछ पैसे की जरूरत होगी, उसको पैसे दे दिए। बच्चे ने पैसे भी ले लिए लेकिन वापस रोने लगा। फिर आगे बढ़ा तो व्यक्ति उसको कपड़े दिए, कपड़े भी ले लिए लेकिन वापस रोने लगा। 3-4 लोगों ने ऐसे कुछ ना कुछ दिया लेकिन बच्चा बंद शांत नहीं हो रहा था। चौथा व्यक्ति जो था वो बच्चे को देखा कि देखो बच्चा सुंदर है, कपड़े भी अच्छे पहने हैं और रो रहा है, तो लगता है कि उनके माँ बाप से बिछड़ गया। तो बच्चे को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गया, और पुलिस स्टेशन ले गया तो तुरंत पुलिस वाले ने कहा कि अरे एक बच्चे तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके माँ बाप है ना। तो जैसे वो बच्चे के माँ बाप को बुलाया, माँ बाप आए, माँ बाप को देखा बच्चे ने, तुरंत वो शांत हो गया, आनंदित हो गया। वैसे आप कोई संसार में कोई व्यक्ति को कुछ भी दोगे है ना, वो सुखी नहीं हो सकता जब तक उसको भगवान के साथ कनेक्ट नहीं करे। क्योंकि उनका सच्चा घर कहाँ है, भगवान का धाम। सच्चे पिता कौन है, भगवान है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में कहते हैं पिता मनुष्य जगतो माता धाता पिता, सबकी माता मैं हूँ, सबका पिता मैं हूँ, और सबके पर पिता जो भी गिनो मैं। और ये जीवन के जो नश्वर जो संबंध है सब नश्वर है, और अपने मुख से बोले। इससे हमको इस तो भौतिक संसार में कुछ ना कुछ अनर्थ रहेगा। ये इतना बड़ा राजा है उत्तानपाद, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतना बड़ा राज्य चाहिए, क्या नहीं था, पुत्र नहीं था। और पति ने कहा कि पति के पुत्र नहीं हो रहे थे, काम कर दूसरी शादी कर लो। पति ने अनुमति दी, जब दूसरी शादी करके उत्तानपाद आया ना, उसका नाम था सुरुचि, अपनी रुचि से काम करने वाली थी। दो प्रकार की पत्नी आती है, जो एक शास्त्र के अनुसार पति के अनुसार चले, और दूसरी होती है अपने रुचि से चले। एक याद रखना, जो स्त्री होती है अपनी रुचि से काम करती है ना, उसको वो सुखी नहीं हो सकती है, सुखी नहीं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो स्त्री होती है ना, वो स्त्री जब छोटी वो लड़की हो छोटी होती है ना, तो अपने पिता के संरक्षण में होती है। जो बड़ी युवान हो जाती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती है, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में। तो इससे पत्नी को कभी स्वतंत्रता नहीं है ऐसी, क्योंकि अपनी रुचि के द्वारा अगर कार्य करती है ना, शास्त्र का पालन नहीं करते, पति की बात नहीं मानते, सासू ससुर की सेवा नहीं करती, अपनी रुचि से कार्य करती है, तो सुखी नहीं हो सकती। और इनका भी नाम क्या था, सुरुचि। जैसे घर में आई ना, तो उसने सुनीति को देखा, और अभी घर में पैर रखा नहीं था, उससे पहले पूछ लिया ये कौन है पतिदेव, तो बोले आपकी सौतन है। क्या बोला, आपकी बहन है, आपकी सौतन आपकी बहन है। तो तुरंत घर में आने से पहले क्या बोल दिया, क्या तो मैं रहूंगी इस घर में, क्या तो। लेकिन राजा भी इतना आसक्त हो गया था
राजा ने क्या डिसीजन ले लिया, ठीक है तू आ जा। इसको सोने की जो सोने की थी, जो अच्छा आचरण करने वाली थी, पति के सुख दुख में साथ देने वाली थी, पति के दुख को देखकर तो बोला कि तू दूसरा शादी कर ले, तो पति के दुख को समझने वाली थी। लेकिन जैसे ही दूसरी पत्नी आई तो पति उस पत्नी में आसक्त हो गया और जो पत्नी उसका अच्छा चाहती उनको ही घर से बाहर निकाल दिया। वो अपना अच्छा चाह रही थी, पति सुखी रहे तो मैं भी सुखी रहूंगी, अच्छा चाहती थी ना। ये अच्छा चाहने के बाद भी क्या हो गया, बुरा हो गया इस संसार में। देखो ये सब तो ये जो सुनीति है, उत्तानपाद है, वो व्यक्ति मनु के पुत्र है, इसमें सब भगवान की अरेंजमेंट रहती है। आगे जब ये कथा सुनेंगे ना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कहने का इसमें सिद्धांत तो सुनेंगे ना, तो सिद्धांत में ही आता है कि न चाहते हो भी दुख आता है, और चाहते नहीं चाहते हम दुख फिर भी आता है, और सुख चाहते हुए भी। इसके हमारे कर्म के अनुसार देखो, ध्रुव महाराज की कथा आप सुननी है तो मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक और उत्तानपाद नाम का राजा था, उसके दो पत्नी थी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, सुनीति से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। और उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया था और सुरुचि से आसक्त थे। एक दिन की बात है, ध्रुव और उत्तम दोनों खेल रहे थे। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठने गया, ध्रुव ने भी इच्छा किया पिता की गोद में बैठने के लिए, लेकिन उसके पिता ने बैठने से उससे पहले उसकी सौतेली मां ने उसको पकड़ के फेंक दिया। ध्रुव को गुस्सा आ गया, है ना, रोने लगा। ध्रुव अपनी माँ के पास गया, माँ ने माँ को बोला कि माँ मुझे मेरे पिता से भी ऊंचा राज्य चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो भगवान देंगे, कहाँ, जंगल में। तो जंगल में गया, छह दिन नारद मुनि बीच में मिले और नारद मुनि उसको बोला कि इस तरह से भगवान का भजन करना, और नारद जी ने कहने से ध्रुव महाराज जंगल में गए, और जंगल में जाकर ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। बोलो ध्रुव महाराज की जय। ऐसे कथा नहीं सुनी, ये कथा 5 मिनट की हो गई, 5 मिनट में नहीं हो, 2 मिनट का हो गया। अभी मैंने खाली आपको शुरुआत मैंने बताया कि सुनीति है, उसको कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, उसको कोई पुत्र नहीं था। इतनी बड़ी रानी होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फिर वो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के पति को बोला दूसरी शादी कर लो, उनको लगा था सॉल्यूशन हो जाएगा, पति भी सुखी मैं भी सुखी, लेकिन हुआ क्या। कहने का तात्पर्य संसार है ना, वो सब क्या है, सब उल्टा दुखालय, जहां भी जाओगे क्या मिलेगा, इससे एक ही सहारा है, क्या है, नरसिंह मेहता, गुजरात के नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, वो कहते हैं कि मने एक तमारो आधार रे श्यामला गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महार। मुझे एक ही आधार है, किसका है, श्यामला भगवान श्री कृष्ण का था उनको, ना उनका एक ही आधार था, तो हमारा एक ही आधार होना चाहिए कृष्ण, है ना। क्योंकि हम जब मरेंगे ना, याद रखना, 5 दिन 7 दिन 10 दिन पीछे वाले रोएंगे, फिर लड्डू खाएंगे, 10-12 दिन के बाद क्या खाएंगे, सबके लिए बहुत सावधान से मनुष्य देह मिला है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा देखो ये सबके लिए है, चाहे युवा हो या कोई भी हो, ठीक है, तो भारतीय हो गए, वापस 9 बज गए हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए।